दमोह जिला पुलिस एवं दमोह जिला प्रशासन के द्वारा दबंग विधायक रामबाई सिंह के घर पहुंच करके वहां पर अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की गई। मालूम हो कि लगातार पुलिस के द्वारा जहां रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार किए जाने के मामले में टीमों का गठन करके दबिश दी जा रही है, वहीं पुलिस की टीम के साथ राजस्व अमले और जिला प्रशासन की टीम ने यहां पर पहुंच करके उनके द्वारा बनवाए जा रहे मैरिज गार्डन की एक दीवाल को तोड़ा गया। साथ ही बताया गया कि यह दीवाल नाले के ऊपर बनाई गई है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और यहां पर यह कार्रवाई देर तक चलती रही। दमोह में आया हुआ ड्यूटी में, भाई वो व्यक्ति चलो ठीक है, लेकिन जिनको सही करने चाहिए उनने तो जो केस के लाने व्यक्तिगत बना लो, जिसने जो उनको केस हो गए, जो तो एक तरफन कार्रवाई करी जा रही है। भाई आप भी तो बताओ कौन हो गई, भाई इतने पत्रकार खड़े आप खड़े, क्या ये सत्य है कि थे हमारे हस्बैंड उधर? भाई हम भी तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो कौन सा तरीका है आप बताओ कि हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे, जायज होते हुए हमें नाजायज बता रहे, वैध होते हुए भी अवैध बता रहे। भाई ये क्या है भाई, क्या ये सत्य है घटना? और मुझे खुशी है कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आज मुझे खुशी है कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट के जस्ट ये चीज हो समझ है कि सही में न्याय हो रहा हो कि अन्याय हो रहा हो। मकान तोड़े से हमारों प्रताड़ित करे से इन चीजों से सत्य की सत्य नहीं हुआ तो और असत्य हो रहा भाई, और उल्टे प्रताड़ित करो जा रहा हो, न्याय की जगह अन्याय पे अन्याय कर जा रहा है हमारों के संगे। भाई न्याय का न्याय तो मिल नहीं रहा बल्कि अन्याय हो जा रहा। भाई को बेकेरा कहते बताओ, हमारे पास रजिस्ट्री है सब, ही के बाद मकान कैसे तोड़ से बेकेरा रहते हैं? नाला तो होते से नाला हुआ बनो तुम आओ। भाई कोई ने तुम्हारी शिकायत करी? हमारे मकान की कोई ने शिकायत करी? हम कोई के जबरदस्ती कब्जा करें, कोई से हम लाए हैं तो हमारे मकान तोड़ो ना। के नाम रजिस्ट्री है सब, इतनों भी नहीं। देखो हम भी मानत के पुलिस की कहूँ गलती नहीं है, पुलिस बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। पुलिस जो उनको पुलिस के ऊपर आफत आई, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे गलत मैटर मचाक है सुप्रीम कोर्ट तक हो गुमराह करो, हम वो चीज को माना, लेकिन जे कोई न्याय नहीं है मैडम। हम आपसे एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, मीडिया के माध्यम से निवेदन है, सबसे निवेदन है, इतना भी प्रताड़ित मत करो कि जिससे हम लोगों को कोई ऐसी घटना करने पर है कि जिसे पूरा भारत है इस चीज को सोचे कि का स्थिति कर दे। करो ढूंढो भाई, जहां भी है आप मुलजिम हो ढूंढो, अगर आप मुलजिम माना था जो मुलजिम
लेकिन कोई चीज है या कोई भी हमारे घर की नाश कर रहा है, हमारे बच्चों में प्रताड़ित कर रहा है, हमें कर रहे, सबको कर रहा है, तू जेट भाई जे, ये ठीक नहीं है। मैं पुलिस को कहीं गलत नहीं मानती, ना हम इन लोगों को मानते, ना डीजीपी को मानते, किसी को नहीं मानते, लेकिन एक व्यक्ति ने जो सारा रायता फैला के रखा, झूठ का पुलिंदा बांध के रखा, ऐसे व्यक्ति पे अगर कार्रवाई न हो के निर्दोषों पे कार्रवाई हो रही। इस संसार में कहां सुनी कि आज एक रखनवारे के ऊपर एक रखनवारो ऊंचा बड़ो रखनवारो बाद का इल्जाम लगा रहे। तो हमारा निवेदन है मैडम, ऐसी गलती ना करो, हमारा सबसे करवत निवेदन है। न हमारे परिवार के हाँ हमोर अभी जीवो नहीं चाह, तो हम सबसे हाथ जोड़ रहे हैं। आप लोग मुलजिम ढूंढो, घर छान ले, जहां जाने होते जा, मिले सो भाई आपको जो सही लगे मुलजिम के साथ करो, पर ऐसे काम मत करो जिसे हर आदमी को भरोसा ही उठ जाए बिल्कुल कानून पे ने सब पे। भाई हमारे सुइया न्याय मांग रहे, आज के कितने समय से न्याय मांग रहे हम भी, भाई पुलिस नाम जोड़ रही, भाई पुलिस काट रही, आज 22-23 आदमी भीतर जेल में बंद हैं, तो सबको मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन क्या सत्य क्या ऐसे ही गुमराह रहे हैं मैडम? कहूँ सत्य की कोई बात नहीं, हम आपको दोष नहीं दे रहे, न आपसे कोई हमारी शिकायत आए न सिखवाए, तो हम आपको करबद्ध निवेदन है इतना अत्याचार मत करो, न शाम को हम औरों की लाशें उठा पे भी आ जाएंगे, पंचनामा भी शायद आप ही लोग करो। शहर में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, और अभी जो हुई है एक्चुअल में यहाँ पे जो नाला बना हुआ है, नाले की भूमि जहाँ से नाला निकला हुआ था वहाँ से ना निकल के दूसरी तरफ से उसको फिलिंग करके वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उसे हटाया जा रहा है। किसने कब्जा कर लिया था? वो तो भली भांति ज्ञात है आपको कि कब्जा किसका है। गोविंद सिंह जी के नाम पे है, यहाँ पे काफ़ी रजिस्ट्रियाँ उनके नाम की हैं, उनका था, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा था जिस पर अतिरिक्त निर्माण था, उसको हटाया गया। सिद्धार्थ महोदय, यहाँ से पत्र मिला था, फोर्स उपलब्ध कराई गई, नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण था, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये राजस्व रिकॉर्ड में है, ये गोविंद सिंह के नाम पर दर्ज है। ये नाले के ऊपर ये तहसीलदार महोदय को आकलन करवाया है उन्होंने, और जितनी भी भूमि पर अतिक्रमण है उस पर ये तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।